नोटबंदी की घोषणा के बाद मोदी सरकार ने आज एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पुराने नोट जमा करने की सीमा 5,000 रुपए तक तय कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा करने की सीमा के तहत अब सिर्फ एक बार ही 5,000 रुपए से ज्यादा के नोट जमा कराए जा सकेंगे। जिसके खाते में पैसा जमा हो रहा है उसे बैंक को यह भी बताना होगा कि यह रकम अब तक जमा क्यों नहीं की गई थी। बैंक इसके जवाब से संतुष्ट होगा तभी रकम जमा की जाएगी। इसके बाद आप खाते में 5,000 से ज्यादा की रकम जमा नहीं करवा पाएंगे। आपको बता दें कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। पुराने नोट बदलने और उन्हें जमा करने के लिए 30 दिसंबर तक का वक्त दिया गया था। अब सरकार ने पुराने नोट जमा करने की सीमा भी तय कर दी है। नोटबंदी के बाद से ही सरकार लगातार अपने फैसले बदल रही है। 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। ऐसे में अब रुपए जमा करने की सीमा तय करने का ये फैसला लोगों के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है। देखते रहिए डीवी लाइव।